जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अधिकारी द्वारा जो कल रात को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है कच्ची छावनी में चलाई गई, जिसको जिसमें जब दोपहर को वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करने के लिए कच्ची छावनी पहुंचते हैं, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उन्हें वापस जाना पड़ता है, उसको अपना एक ईगो के ऊपर चोट जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स ने मानी, और रात को जब पूरी देश के लोग नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं उस समय लेट आवर्स में आके वो दुकान डिमोलिश की है, उसके ओनर को उठाकर अंदर ले गए हैं पुलिस वाले, उनके साथ दुर्व्यवहारपूर्वक बर्ताव किया है, उस सब की जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है वो कमी होगी। और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर सालों साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश करने का काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है, ये किसी भी कंडीशन में इसको आप सही नहीं कह सकते। मैं उसमें दो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि जब वो प्रॉपर्टी खड़ी हो रही थी उस समय उस प्रॉपर्टी के खड़े होने के समय आपके अधिकारी कहाँ थे, नंबर एक। नंबर दो, बिना प्रायर नोटिस के, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के, बिना प्रायर आप एक लीगल जस्टिफिकेशन के उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करते हो। लीगल जस्टिफिकेशन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जगह से सरकार को बिजली का खर्चा भी मिलता है, सरकार उस दुकान को एक रजिस्टर्ड दुकान मानती है, क्योंकि जब तक एक दुकान को आप सरकार के नाम सरकार के डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं कराते हो तब तक उस दुकान के आधार पर आप काम नहीं कर सकते। तो वो एक रजिस्टर्ड शॉप है, एक रजिस्टर्ड प्रमाइसिस है किसी भी ओनर के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, जिसको गवर्नमेंट एक रजिस्टर्ड प्रमाइस मानती है। और तीसरा, उस जगह से लगभग पिछले 100 वर्षों से, चाहे वो राजा महाराजा के टाइम पे रहा हो, चाहे वो आपका अभी जो जब भारत देश की स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर सरकार जब सरकारों का राज रहा तो सरकारों ने जिस प्रकार से वहाँ पे टैक्स वसूला है, तो वो टैक्स देने के माध्यम से लोगों ने अपना उस जगह पर कब्जा जो है, अपना उस जगह पर जो मलकियत है, उस जगह की जो अपनी ओनरशिप है उसको बताया है और उसको लेकर टैक्स भी दिए हैं। तो जब सरकार उस जगह से पूरा टैक्स वसूल रही है, सब प्रकार के म्यूनसिपल चार्जेस वसूल रही है, सब प्रकार के जो जितने भी वहाँ पे टैक्स आप ले सकते हैं एक शॉपकीपर से, और वो प्रॉपर कोई चोरी नहीं कर रहा है उस जगह की, तो उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर जो है वो सरकारी पंजा जो है वो काम करता है और लोगों को हरास करता है। पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है, जब से मैडम अवनी लवासा जी ने जो है अवनी लवासा जी ने जब से चार्ज संभाला है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उस समय से लगातार लोगों को हरास किया जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से। पिछले महीनों पहले मैं ये विषय इसलिए मेरे को टच कर रहा है क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही डिगाने में ही एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे 50 साल पुरानी दुकानों के जो आगे एक्सटेंशन थी, जो सरकार की प्रॉपर परमिशन के बाद परमिशन लेने के बाद डाली थी, उन्हें डिमोलिश किया गया। लोगों का 5-5, 6-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ उसमें, और उसके लिए डीसी मैडम को हमने एप्लीकेशन भी दी थी, तो अभी तक सरकार की ओर से उसमें उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो इस प्रकार से कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे लोगों की हरासमेंट है। सरकार जब ये इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी खड़ी होती है उस समय सरकारी तंत्र सोया होता है, मुझे ऐसा लगता है उस समय सरकारी तंत्र बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने ऑफिस में बैठा होता है कि हाँ जाएंगे तो तोड़ने जाएंगे। भाई जब बन रहा है तब रोको ना, जब बन रहा है तब आपकी सरकारी मशीनरी कहाँ पर है, तब सोए हुए हो आप लोग। जब लोगों का पैसा लग गया, बेशक लोगों ने गलत लगाया, आप बताओ उनको कि आप गलत पैसा लगा रहे हो तो टोको उनको, लोग आपकी एक्स्ट्रा जमीन पे सरकार से कौन पंगा लेना चाहता है, कोई भी नहीं लेना चाहता, इतना समझदार कोई नहीं है कि जो एक ऑल पावरफुल गवर्नमेंट और एक आम दुकानदार बंदा सरकार के साथ पंगा लेगा। और जब वो दुकान बन जाती है तो दुकान तोड़ने के लिए पंजा लेके आ जाते हो आप लोग, वो नुकसान कौन भरेगा। ऑलरेडी पूरे देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पिछले कई वर्षों से एक देश में मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। जम्मू कश्मीर के अंदर तो उसी तरह से इंस्टेबल कंडीशंस हैं, आपकी 370 टूटने के बाद एक काफ़ी ज़्यादा लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ ही हुआ है। तो आप इस प्रकार के जब हालात क्रिएट कर देंगे तो जम्मू के अंदर जिस प्रकार से एक बीजेपी के पक्ष का माहौल है,
यूथ आप अगेंस्ट हो जाएगा धीरे धीरे इस प्रकार के, और बिजनेसमैन जो एक पेट वोटर है बीजेपी का, वो बिजनेसमैन भी बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। क्यों? इस प्रकार के ऑफिसर जब अपनी मनमानी करके बिना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से पूछताछ किए बिना इस प्रकार की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे तो सीधी सी बात है नुकसान तो बीजेपी के वोट बैंक को होगा। इसमें मैं कोई बीजेपी का इसमें हितेशी बन के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो एक सेंटिमेंट रहते हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को अपने इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में, उसका रिस्पेक्ट करें और लोगों की जो एक भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं अपनी दुकानों के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अगर आपको लग रहा है कि लोगों ने कब्जा किया है, अगर आपको लग रहा है लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, उनको बताइए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप इसे हटाएं। अगर नहीं हटाएंगे तो वहाँ के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, उस बाज़ार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, उस मोहल्ले के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, तब जाकर आप उसको डिमोलिश करेंगे तो एक लीगल ग्राउंड आपके पास साउंड रहेगा कि हम लोगों ने डिमोलिश की है तो हमारे पास ये कारण है, हमने अपॉर्चुनिटी दी थी विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किस प्रकार से ये एक तानाशाही रवैया अपना सकते हो आप लोग, सरकारी पंजा चला सकते हो, लोगों को नुकसान कराते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये सरकारी पंजा जो है इसकी हद हो चुकी है काफ़ी, लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और खाली जिस दिन टूटेगी दुकानें उस दिन मीडिया अपनी रिपोर्टिंग ना करे, जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, हम पूरी तरह से मीडिया का सराहना करते हैं, लेकिन एक इस चीज़ को लेकर पूछे कि एनक्रोचमेंट के पैमाने तय कीजिए। अगर आप एनक्रोचमेंट को लेकर एक लीगल नोटिस लंबे समय का देते हैं, 2 महीने का देते हैं, तो लोगों को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपनी प्रवाइसिस को जो है एनक्रोचमेंट जो है वो हटाएँ। तो जब तक आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से जो है वो एक जस्टिफिकेशन होगी, एक लीगल जस्टिफिकेशन होगी कि हम लोगों ने जो किया वो सही किया, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोगों को परेशानी होती है, इकोनॉमिक इस समय ऑलरेडी बहुत परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं इकोनॉमिकली, तो इस प्रकार का बर्डन लोगों की दुकानें तोड़कर उनके ऊपर डालना, ये कहीं की भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी, कहीं की भी इंसाफ एक इंसानियत वाली बात नहीं होगी। अवनी लवासा मैडम जी, आप एसी वाले कमरे में बैठ के जब इस प्रकार के कानूनों पर, जब इस प्रकार के ऑर्डर्स पर साइन करते हैं, तो कृपया करके आपको 2 लाख रुपया फिक्स्ड आता है, आपकी तनख्वाह है वो, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है मार्केट में, जिन लोगों ने अपने पैसा अपना बिजनेस में डाला हुआ, जब उनके आप बिजनेस के अड्डे ही तोड़ दोगे तो मुझे बताइए जब इस प्रकार का परेशानी लोगों को बनेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जम्मू के अंदर, जो कि पूरी तरीके से जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सर पे जाएगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर आप अपने मर्जी से सरकारी पंजा ना चलाएं, कुछ एक लीगल जस्टिफिकेशन, कुछ एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए लोगों को तैयारी करने के लिए, 2 महीने का समय दीजिए, प्रायर नोटिस दीजिए, उसके बाद आप अपना सरकारी पंजा चलाइए। कोई आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा क्रिएट करेगी, तो हमारे पास सरकार के पास भी एक ग्राउंड होगा कि हमने इस कारण से ये किया है। तो कल के इंसिडेंट की तो एक निंदा है ही है, दिन में काम कर नहीं पाए, रात को आगे पंजा लेके पूरी तरह से सरकार के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन किया है, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया है। तो बाकी लोग समझदार हैं, अगर आपके मेरी बात पसंद आती है, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।